ग्राम पंचायत रयान में राशन वितरण में धांधली, दो माह की जगह एक माह का खाद्यान्न बांट रहा है सेल्समैन, नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत। खबर पूरी से आ रही है। बैराड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रयान में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन द्वारा राशन वितरण में धांधली बरती जा रही है। सेल्समैन द्वारा पोस मशीन में दो माह के फिंगर लगाने के बाद ग्रामीणों को एक माह का राशन दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पोरी एसडीएम को दर्ज कराई और सेल्समैन के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत। तो आज जो पोहरी कार्य एसडीएम कार्यालय पे आए हो, किस लिए आए हो आप लोग? जनता खाद्यान्न से बहुत परेशान है। कब से नहीं मिल रहा आप? दो महीने से गड़बड़ी चल रही है बहुत ज़्यादा। एक महीने पहले पेंगल लगवा लिए थे, फिर दूसरे महीने मैंडान आया ना, दूसरे महीने का जब बांटना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों को दो महीने का दे दिया, कुछ लोगों को एक महीने का दे दिया और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दिया, 10-15 लोगों को। तो आपने किससे किस शिकायत की आज? एसडीएम साहब की। क्या कुछ कोई आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने? आश्वासन दिया है, बोल रहे हैं कि जांच करवा देंगे, लेकिन जांच क्या साहब, भी तो निगरानी सदस्य खुद कंट्रोल भी मतलब वो तो इन जो तो अभी तो नए आए, इससे पहले एसडीएम साहब को आपने कोई आवेदन वगैरह कोई जानकारी दी थी? 5-7 बिल लगा दी साहब, वो तो नेता है पक्को विजय सिंह यादव, तो उनकी कंट्रोल है क्या? उन्हीं की कंट्रोल है, उनकी भानेज पे है, कोई चार्ज इसको देता है, खुद ही की संस्था में उनकी। तो अब आप क्या चाहते हो? कंट्रोल तो संस्था से हटना चाहिए, ईमानदारी से बटना चाहिए। अगर बेईमानी करे साला जेल जाए, किसी पे भी जाए। जो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो भोपाल डेरा डालेंगे, मुख्यमंत्री आत्महत्या करेंगे, कुल मिला जाए, लेकिन कंट्रोल हटना चाहिए इससे। मेरा नाम गजागर यादव। कहाँ से आए हो आप? रैयन पंचायत से आए हैं, सतनवाड़े से। सतनवाड़े से तो किस लिए आए हो आप लोग यहाँ पे? हम शिकायत करने के लिए। किसकी शिकायत? कंट्रोल। तो क्या मिलता नहीं है कि कंट्रोल पे आपको गेहूँ वगैरह मिलता है? 5-7 किलो कम मिलता है, और मेरे पहले पिंगल लगवा ले, अब बोला कि पिंगल लगा ले जब दूंगा, तो पिंगल लगाया नहीं। हर बार ऐसे ही करता है क्या? हर बार ऐसा ही करते हैं सबको। 5-7 तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? एसडीएम साहब ने बोली कि मैं जाँच करवा दूंगा, पहले भी हम 5-7 बार शिकायत कर बैठे। अच्छा, पहले वाले एसडीएम साहब को भी कर दे, लेकिन कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सुनवाई नहीं होगी तो सीधे भोपाल। भूपेश यादव। कहाँ से आए हो आप? हम सतनवाड़ी से। पंचायत कौन सी है? रैयन। तो आप जो पोरी एसडीएम साहब के आवेदन दिया है, क्या कुछ मामला है? गेहूँ सही नहीं बटते हैं, पहले भी पिंगल लगा लिया उसने, और अगली बार पिंगल लगाने के लिए हम नहीं गए। कौन है कंट्रोल संचालक? कौन है? बूरा यादव। तो वो देता नहीं है? हर बार नहीं देता है वो, एक बार मुझे गया था गेहूँ लेने के लिए तो मैंने बोला था फिर को पहले पिंगल लग गया, दोबारा पिंगल लगाने से क्या हो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कम मिलता है, 5-7 किलो 10 किलो अनाज कम मिलता है उसमें भी। अच्छा, हाँ 50 किलो मिल 40 किलो मिलता है। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पहले वाले ने तो बोला था हमने लगाया था यहाँ पे, बोला कि कम हो जाएगा तुम्हारा, अभी तो नहीं हुआ। तो अब जो आवेदन आज दिया है आपने, तो क्या कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों को? कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो हम भोपाल जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप आगे जाओगे? हाँ, वहाँ आगे जाएंगे हम। नाम सब प्रताप। कहाँ से आए हो आप? बीलपुरा से। तो जी, आपने एसडीएम को जो आवेदन दिया, क्या कुछ मामला है? खाद्यान्न नहीं मिला। कब से नहीं मिल रहा आप? 2 महीने से। तो आपने इसकी शिकायत तो किसी और से की अभी तक? पहले भी की थी। किससे की थी? एसडीएम साहब, पहले वाले। पहले वाले एसडीएम साहब से। तो कुछ निराकरण नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हो? हमारा खाद्यान्न मिल जाएगा। तो कब से नहीं मिल रहा आपको खाद्यान्न? 2 महीने से। तो अंगूठे वगैरह लगा दिए कि नहीं लगाए थे? पहले का लगा दिया, अब महीने नहीं लगाया। क्यों, अब की क्यों नहीं लगाया? फिर नहीं लगाया, पहले लगा दिया तो खाद्यान्न की बोल रहा है, इसलिए नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया। तो अब आप क्या चाहते हो? अब हम शिकायत करने आए हैं। कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई हो जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगा जाएंगे।